हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक धमाका शेयर के बारे में जिसमें आज अपर सर्किट लगा। शेयर काफ़ी सस्ता है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर विजय जी केडिया का भी होल्डिंग है और अच्छा खासा होल्डिंग है, 1.68% का होल्डिंग है इस शेयर में। आइए जानते हैं कौन सा है धमाका शेयर। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारे टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन, रोल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये सभी बनाने का काम करती है। ऑल इन वन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर डेवलपमेंट की कंपनी है, जिसका आज का रेट था 52 रुपीज़ 55 पैसा एंड 52 वीक हाई था 62 रुपीज़। 52 रुपीज़ का एक पीनी स्टॉक है बट फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है। पीई है 22 का एंड ईपीएस है 2.40 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.60, वो भी कंफर्टेबल है। प्रमोटर होल्डिंग है 39%, एफआईआई का होल्डिंग है 2.40% और डीआईआई का होल्डिंग है 9.24%, वो भी काफ़ी शानदार है। एफआईआई डीआईआई का भी होल्डिंग इसमें अच्छा बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सुपर इन्वेस्टर विजय जी केडिया, इनका भी होल्डिंग है 1.68%, जो कि जून क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। शेयर ने आज 50 डीएमए का सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया और अपर सर्किट में क्लोज हो गया और एम ऑर्डर भी लगी हुई है इसमें। करीब करीब 33,000 शेयर्स की एम ऑर्डर लगी हुई है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ की है। जी हाँ, मैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके पास ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ की है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आरएसआई अभी 50 का है, काफ़ी ओवरसोल्ड जोन से अभी अपर सर्किट मारा है, तो आने वाले दिनों में तेजी इसमें रह सकती है और कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था 43 करोड़ का और सितंबर क्वार्टर भी अच्छा आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली साउंड और एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है पटेल इंजीनियरिंग का शेयर, जिसमें आज अपर सर्किट लगा है। तो आप इस कंपनी को स्टडी करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो, जो कि हो सकता है यहाँ से अच्छा रन अप दिखा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।